Next program, check the given character is valid uppercase alphabet or not. Suppose that अगर आपने runtime पर कोई भी character value enter किया, then characters के respect में check करना given character is valid alphabet or not. इस केस में कई सारे patterns possible, valid alphabet or valid uppercase character, valid lowercase character, valid digits like this. Given case में available क्या है? Check the given character is in valid uppercase alphabet or not. Already आपको इस केस में clear है, इस uppercase alphabets क्या हैं? A, B, capital C, capital D, up to capital X, Y, Z and so on. Means there are 26 uppercase characters are available. Characters के respect में already discuss किया था during data types. मेमोरी के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर ASCII वैल्यू. व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ ए? 65. ASCII वैल्यू ऑफ बी? 66. ASCII वैल्यू ऑफ सी? 67. 68. ASCII वैल्यू ऑफ एक्स इज 88. ASCII वैल्यू ऑफ वाई इज 89. ASCII वैल्यू ऑफ जेड इज 90. इस फाइनली ASCII वैल्यूज के रिस्पेक्ट में भी जब भी आप कंपैरिजन परफॉर्म कराओगे एंड डायरेक्टली सिंगल कोट्स के केस में कैरेक्टर्स को भी कंपेयर करना पॉसिबल और डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यूज भी कंपेयर कराना पॉसिबल हुआ है. दीज आर वैलिड केसेस. अगेन इस केस में फाउंड क्या हो रहा है? मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज. अगेन इस टाइप से टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ? वेरिएबल डिक्लेरेशंस. प्रीवियस केस में ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स, इन इस केस में ऑपरेशन किसके रिस्पेक्ट में? कैरेक्टर्स, मींस इन द फॉर्म ऑफ ASCII वैल्यूज. देन कैरेक्टर टाइप्स का वेरिएबल डिफाइन करें लाइक अ कैरेक्टर, सम वेरिएबल नेम एज CH और एनी वैलिड आइडेंटिफायर नेम. देन नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स. इनपुट्स के केस में इनपुट किस टाइप का रिक्वायर्ड है इस केस में? कैरेक्टर टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल मैसेज डिस्प्ले कराएंगे लाइक एंटर कैरेक्टर और एनी कैरेक्टर. एंटर कैरेक्टर देन स्कैनएफ फंक्शंस. स्कैनएफ के थ्रू इंटीजर वैल्यू को रीड करेंगे. फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया था परसेंट डी, लेकिन कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में यूज करेंगे एज अ परसेंट सी, एड्रेस ऑफ सी एच लाइक दैट. नेक्स्ट वन, फर्स्ट स्टेप क्या है? प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन. सेकेंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. नेक्स्ट वन अप्लाइंग लॉजिक्स. लॉजिक्स किसके रिस्पेक्ट में अप्लाई करोगे? रिस्पेक्ट टू मिनिमम और मैक्सिमम रेंज. अगेन अगर गिवन वेरिएबल कैरेक्टर सी एच का ASCII वैल्यू अगर 65 से बड़ा है या 65 के इक्वल है एंड ASCII वैल्यू ऑफ सी एच शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 90, मीन्स इसके मिनिमम रेंज क्या था 65 और मैक्सिमम रेंज क्या है 90. देन इसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराएंगे प्रिंट एप कैरेक्टर इज इन अपर केस लाइक अपर केस कैरेक्टर और अपर केस अल्फाबेट अदरवाइज एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टेड मैसेज प्रिंट करा सकते हो एज अ नॉट अपर और नॉट इन अपर केस लाइक दैट और एनी मैसेज. इस टाइप से मैसेज डिस्प्ले कराना पॉसिबल हुआ. फाइनली क्लोजिंग. वन मोर थिंग्स, अगर आपको कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के रिस्पेक्ट में ASCII वैल्यू याद है देन ASCII वैल्यूज के बेसिस पर भी कंपैरिजन परफॉर्म कराना पॉसिबल और ASCII वैल्यूज के प्लेसेस पर डायरेक्टली कैरेक्टर वैल्यू भी राइट करना पॉसिबल. 65 राइट करें या सिंगल कोट्स में ए राइट करें, दोनों की मीनिंग कैसे सेम, बिकॉज ए का भी मीनिंग क्या है? एज ऑल्सो इक्वेलेंट टू 65. सेम एज 90 के प्लेस पर 90 राइट करें या कैरेक्टर वैल्यू लाइक जेड इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोट्स. बोथ केस आर वैलिड, इस केस में दोनों केस वैलिड होंगे. जब भी कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन परफॉर्म करें देन कंपैरिजन ASCII वैल्यूज के रिस्पेक्ट में भी कराना पॉसिबल है और कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में भी कराना पॉसिबल है. दोनों की मीनिंग कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम. इस करेंट केस में टेस्ट क्या किया? जस्ट चेक द गिवन कैरेक्टर इज वैलिड अपर केस और नॉट. सपोज दैट जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा?
एग्जीक्यूशन मीन्स मेमोरी एलोकेशन फॉर ए फर्स्ट टाइम इनिशियली सी एच का वैल्यू क्या सम गार्बेज वैल्यू, इसके जस्ट बाद डिस्प्ले क्या होगा सम मैसेज एंटर कैरेक्टर ऑन द मॉनिटर, मैसेज प्रिंट होने के जस्ट बाद स्कैन एप के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम ने एंटर किया सम कैरेक्टर एज सी कैपिटल सी देन सी का आसान होगा इनसाइड वेरिएबल सी एच सी के रिस्पेक्ट में स्टोर क्या हुआ आस्की वैल्यू ऑफ सी वी कैन से सी और वी कैन से आस्की वैल्यू ऑफ सी एज 67 सॉरी नेक्स्ट वन इफ कंडीशन, इफ कंडीशन टेस्ट करें दें सी एच का करंट वैल्यू क्या 67 और वी कैन से सी लाइक दैट इन प्लेस ऑफ सी एच वी कैन रिप्लेस 67 और सी एच ए के प्लेस पर ऑलरेडी क्या है आस्की वैल्यू 65 फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू 67 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 और एंड के केस में फर्स्ट कंडीशन ट्रू देन टेस्ट क्या करेंगे सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सी एच के प्लेस पर अगेन रिप्लेस कराएंगे आस्की वैल्यू ऑफ सी एच 67 67 इज लेस देन आस्की वैल्यू ऑफ जेड जेड का आस्की वैल्यू का 90 अगेन सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू है सेकेंड कंडीशन भी ट्रू है ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा ट्रू देन फाइनल इस केस में चांस किसको मिलेगा इन साइड बॉडी ऑफ इफ इफ के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एज अपर लाइक दैट दिस इज द फाइनल आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट डेटा एज कैपिटल सी बट सपोज दैट अगर सेम केस में स्मॉल सी प्रेस किया होता लाइक सम स्मॉल लेटर्स स्मॉल सी के रिस्पेक्ट में करेंट प्लेस पर आसान क्या हुआ आज की वैल्यू ऑफ सी विच इज 99 इन केस ऑफ लोअर केस सी देन अब कंपेरिजन किससे हुआ सी के प्लेस पर सी एच के प्लेस पर मीन्स इस प्लेसिस पर राइट क्या किया था मैंने सी एच सी एच नेक्स्ट टाइम इस केस में करेस्पॉन्डिंग रिजल्ट क्या हुआ चेकिंग अगेन कंडीशन सी एच के प्लेस पर रिप्लेस कराएं वैल्यू ऑफ सी एच विच इज 99 सॉरी फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू मीन्स 99 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 कंडीशन इज ट्रू अब नेक्स्ट सेकेंड केस में टेस्ट क्या करेंगे अनदर कंडीशन रिस्पेक्ट टू एंड 99 लेस देन इक्वल्स टू 90 दिस कंडीशन बिकम फॉल्स इसलिए इसका पूरा ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स फॉल्स है देन चांस किसको मिलेगा सेकेंड केस में एल्स ब्लॉक देन इसके अकॉर्डिंग मैसेज प्रिंट हो जाएगा नॉट अपर केस एंड सो ऑन